जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार हुए हंगामे के दौरान प्रसूता के आक्रोशित परिजनों द्वारा अस्पताल डॉक्टर और कर्मचारियों का विरोध करने के दौरान संविदा डॉक्टर के साथ मारपीट की जाने पर डॉक्टर ने कोतवाली में प्रसूता के परिजनों पर FIR दर्ज करवाई। जिला महिला अस्पताल बड़वानी में मृत बच्चा होने पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा और मारपीट की थी। इस संबंध में बड़वानी कोतवाली पर महिला चिकित्सक श्रेया महाजन की शिकायत पर धार जिले के गंधवानी निवासी राजेश पिचोड़वाल और अन्य पर शासकीय कार्य में बाधा व अन्य धारा में FIR दर्ज की गई। ये माना जाता है कि सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके विषय में कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको हम प्यार से पप्पू भी कहते हैं और वास्तव में पप्पू वाला भाषण उन्होंने इस मध्य प्रदेश की धरती पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या मामा की जन्मस्थली से दिया है। उनने ये अपने भाषण में कहा है सार्वजनिक रूप से कि टंट्या मामा और भगवान बिरसा मुंडा को फांसी की जो सज़ा दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा वो RSS के सहयोग से दी गई और कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, पर उस अल्पज्ञ और बिना बुद्धि का व्यक्ति इसको इतनी भी जानकारी नहीं है कि संघ का की स्थापना माननीय हेडगेवार जी ने 1925 में की थी और टंट्या मामा को फांसी दी गई थी 1889 में। भगवान बिरसा मुंडा को जो मृत्युदंड दिया गया था वो 1890 में दिया गया, 1900 में। अब इसी स्थिति में 1925 में जो संगठन की स्थापना हुई वो संगठन कैसे इसमें भागीदारी कर सकता है? स्पष्ट हमारा आरोप है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी और उस वक्त मात्र एक संगठन था पूरे हिंदुस्तान में। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।